नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज का पार्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रो ड्रग। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ड्रग जो है वो प्रो ड्रग नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है क्लोरल हाइड्रेट, डायाजेपाम, एनालाप्रिल, ऑक्सकार्बाजेपीन और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लोरल हाइड्रेट की बात करें तो ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के अंडर आता है ये ड्रग, और ये बॉडी में जा करके ट्राइक्लोरोइथेनॉल एक्टिव मेटाबोलाइट बन के ये काम करता है। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, एक प्रोड्रग हो गया। नेक्स्ट बात करें हम डायजेपाम की, तो ये बेंजोडायजेपाइन कैटेगरी में आता है और इसके बहुत सारे यूजेस है। एंटी एंजाइटी बोल के काम करेगा, मसल स्पैजम्स में काम करते हैं और अल्कोहल विद्रॉल सिम्टम्स में भी ये काम करता है। और इसके एक्टिव मेटाबोलाइट की बात करें तो ये देखो, ये नॉर्डाजेपाम करके काम कर सकता है, डेसमिथिल डायजेपाम बोल के इसका एक्टिव फॉर्म बनाता है ये, जिसके अंदर नॉर्डाजेपाम, ऑक्साजेपाम, टिमाजेपाम बोल के ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स तरह तरह के दे करके ये काम करता है। तो डायजेपाम भी इस तरह से एक प्रोड्रग हो जाएगा। फिर बात करें इनालाप्रिल की, तो देखो ये सारे प्रिल ड्रग जो होता है ना वो एस इनिबिटर्स के अंदर आते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, है ना। तो ये इनालाप्रिल जो है ये भी एक प्रोड्रग है जो एक्टिव मेटाबोलाइट इसका होता है इनालाप्रिलेट करके, तो ये इसमें कन्वर्ट होके ही काम करता है, तो ये भी एक प्रोड्रग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सकार्बाजेपीन की, तो ये एंटी सीजर यानी एंटी एपिलेप्टिक का ड्रग में आएगा और ये बॉडी में जा करके मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनाता है, रिड्यूस्ड फॉर्म बना के, तो यही इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, तो ये भी इस तरह से एक प्रोड्रग हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारे यहाँ दिए गए ऑप्शंस जो है वो सारे के सारे प्रोड्रग है, तो इसीलिए हमारा सही जवाब होगा कि ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, कि इसमें से कोई भी ऐसा ड्रग नहीं है जो प्रोड्रग नहीं है, ये सारे के सारे प्रोड्रग है, इसीलिए ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटर बैरियर, है ना। जो माँ से लेकर के बच्चे तक जो जुड़ी हुई नाल होती है ना उसे प्लासेंटा कहा जाता है, तो ये प्लासेंटल बैरियर को जो ड्रग है वो पास नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा ड्रग बताना है। ऑप्शन दिया है मॉर्फिन, लिथियम, वारफेरिन और हिपेरिन। तो इसका जवाब लिखना बहुत आसान है, अगर आपको इस स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी ना, तो मैं आपको बोलूँ यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिए हैं मॉर्फिन, लिथियम, वारफेरिन और हिपेरिन, इसमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो होता है वो हिपेरिन का होता है, और बड़ा स्ट्रक्चर होने की वजह से ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, ये बाकी सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ये पास कर जाते हैं, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है ये, तो हिपेरिन जो है ये वही ड्रग है जो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर में कौन सा ड्रग आएगा, हिपेरिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो यहां पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी गिवन सेफली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सा ऐसा ड्रग है जो सेफली दिया जा सकता है। ऑप्शन मिला है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विन, थैलिडोमाइड या फिर प्रिमाक्विन। तो आप सभी को ये ऑप्शन सी तो पता ही होगा, थैलिडोमाइड, ये टेराटोजेनिक सिटी कॉज कर सकता है बच्चों में, है ना, तो ये नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट जो बात करेंगे ये टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विन और प्रिमाक्विन, तो मैं आपको बता दूं कि एंटी मलेरिया ड्रग शुड नॉट बी यूज इन प्रेगनेंसी आर हेलोफेंट्रीन, टेट्रासाइक्लिन के अंदर डॉक्सीसाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन भी नहीं दिया जा सकता, और प्रिमाक्विन भी है जो नहीं दिया जा सकता, शुड नॉट बी यूज इन प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन है ये यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, क्लोरोक्विन, यही एक एंटी मलेरियल ड्रग होता है जो प्रेगनेंसी में सेफली दिया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अभी। देखो पूछता है लिग्नोकेन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, लिग्नोकेन कहाँ यूज किया जाता है। ऑप्शन में दिया है एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, पीएसवीटी, पीएसवीटी का लॉन्ग फॉर्म देखो पैराक्सिस्मल सप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के अंदर या फिर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के अंदर। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया,
बाकी यहाँ पे कंडीशंस की बात करें तो एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर आप स्मोलॉल को दे सकते हो और डिजिटालिस में डाइगोक्सिन को भी दे सकते हो। ये दोनों कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट है पीएसवीटी पे भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो इसमें हम एडिनोसिन को दे सकते हैं और डिजिटालिस में डाइगोक्सिन को दे सकते हैं, वेरापामील को दे सकते हैं और आता है ये प्रोप्रानोलॉल को भी दे सकते हैं ना, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोलॉल को भी दे सकते हैं। और यहाँ पे ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आएगा वेरापामील, फिनिल अल्केलामाइन डेरिवेटिव में आएगा वो क्लास है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज इन द एवी ब्लॉक, है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक के अंदर कौन सा ड्रग यूज किया जाता है। ऑप्शन में दिया आइसोप्रिनालिन, प्रोप्रानोलॉल, डोपामाइन या फिर डाइसोपिरामाइड। तो एवी ब्लॉक के लिए जो ड्रग यूज किया जाता है उसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए आइसोप्रिनालिन। एवी ब्लॉक के लिए जो ड्रग यूज किए जाते हैं वो देखिएगा ये सिंपैथोमाइमेटिक्स कैटेगरी में आता है आइसोप्रिनालिन, ये एक दिया जाएगा और एंटी कोलिनर्जिक्स में एट्रोपिन को दिया जाता है ना, ये मस्कारिनिक ब्लॉकर होता है, ये मस्कारिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो एट्रोपिन और ये आइसोप्रिनालिन ये दोनों ड्रग एवी ब्लॉक में दिए जा सकते हैं, तो आपने ये याद रखना है इसकी कैटेगरी को भी, सिंपैथोमाइमेटिक में आइसोप्रिनालिन और एंटी कोलिनर्जिक्स में एट्रोपिन करके ये दोनों ड्रग एवी ब्लॉक में दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है अभी। ये डाइसोपिरामाइड जो ये एंटी एरिथमिक ड्रग होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आएगा ये क्लास वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कॉज, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर सकता है इसमें से। ऑप्शन दिया है ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखो यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, फिर लाइपोलाइसिस, लिपिड का ब्रेकडाउन की बात चल रही है, और ऑप्शन डी सोडियम रीएब्सॉर्प्शन। तो ये देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, यहाँ पे नाम में ही मिनरल्स आया है, तो मैं आपको इन दोनों के बारे में बता दूँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अगर क्वेश्चन बने तो आपका सही होना चाहिए दोस्तों। देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देते हैं, और उसके अपोजिट में मैं बात करूँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो ये साल्ट एंड वाटर का कंट्रोल करने का काम करता है ना, इनका इसके ऊपर कंट्रोल होता है, ये सोडियम को रिटेंशन करके रखता है और पोटेशियम को बाहर फेंक देता है, तो इस तरह से ये इनका आयन को कंट्रोल करता है। इसके आपने एग्जांपल्स को भी याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आएगा प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामिथासोन, बिटामिथासोन, इस तरह के ड्रग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आएंगे। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अल्डोस्टिरोन आएगा, और फिर फ्लुड्रोकॉर्टिसोन आएगा, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टिरोन आएगा, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टिरोन का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, ये हाइड्रोक्सी प्रोजिस्टिरोन होता है, ये हार्मोन होता है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आएगा दोस्तों, ठीक है। और अल्डोस्टिरोन का एंटेगोनिस्ट तो आपको पता है स्पायरोनोलैक्टोन होता है, जो पोटेशियम स्पैरिंग डायुरेटिक होता है, पोटेशियम को बचा के रखता है वो, ये अल्डोस्टिरोन है वो पोटेशियम का लेवल कम कराता है और सोडियम का लेवल बढ़ाता है, ठीक है। तो ये एक्शन इनकी याद रखना, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है जो यहाँ पे सोडियम रिटेंशन की बात चल रही है, तो सोडियम रीएब्सॉर्प्शन ही इसका सही जवाब होगा, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कॉज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन अभी, यहाँ के इनके ऑप्शन एग्जांपल्स को याद रखना है आपने, खास करके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनोफाइलिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अमाइनोफाइलिन किसका कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन दिया है थियोफाइलिन एंड डाइमिथिलामाइन, कैफीन एंड थियोफाइलिन, थियोफाइलिन एंड इथिलिन डायामाइन, या फिर कैफीन एंड इथिलिन डायामाइन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी कुछ कुछ कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी थियोफाइलिन एंड इथिलिन डायामाइन। तो देखते हैं ये कॉम्बिनेशंस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है। तो देखो सेप्टान का कॉम्बिनेशन आता है जो को ट्राइमक्साजोल के नाम से चलता है, इसमें क्या ड्रग होते हैं, तो ट्राइमेथोप्रीम एंड सल्फामिथॉक्साजोल होते हैं। तो इनका क्वांटिटी देखो ये 1:5 रेशियो में होता है, ठीक है। अगर हम डीएस यानी डबल स्ट्रेंथ वाली सेप्टान देखेंगे तो उसके अंदर ये 160 mg होगा, तो ये 800 mg तक चला जाएगा, है ना। और अगर एसएस सिंगल स्ट्रेंथ तो ये 80 होता है, 80 mg, और ये उसके हिसाब से 5 गुना ज़्यादा होगा, यानी 400 तक चला जाएगा ये, ठीक है।
अरे मैं बात करूँ ये अमाइनोफाइलिन की जो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, तो इसमें ये थियोफाइलिन और इथिलिन डायमाइन करके ड्रग होते हैं, 2:1 रेशो में होता है, ये टी से टू होगा, ये कुछ याद रखने की कोशिश करिएगा, ये थियोफाइलिन और इथिलिन डायमाइन। और नेक्स्ट मैं बात करूँ ये डेरीफाइलिन सीओपीडी में जो दिया जाता है अस्थमा के जैसे कंडीशन में, ये डेरीफाइलिन में क्या आता है, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन का कॉम्बिनेशन आता है। इटोफाइलिन में अगर 77 mg ड्रग होगा इटोफाइलिन का, तो थियोफाइलिन 23 mg होता है ये डेरीफाइलिन के अंदर, ठीक है, इन कॉम्बिनेशंस को थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो यहाँ पूछता है रेलॉक्सिफेन इज इंडिकेटेड फॉर द यूज इन, रेलॉक्सिफेन का क्या यूज है, तो रेलॉक्सिफेन यहाँ ऑप्शन दिया राइकेट्स, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस या फिर इंटेस्टाइनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, तो ये किसके अंदर दिया जा सकता है ये रेलॉक्सिफेन। तो रेलॉक्सिफेन की थोड़ी बात करेंगे तो ये सर्म कैटेगरी में आता है, SERM मतलब क्या, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में ये आते हैं ड्रग, और ये करते क्या है, तो ये बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनको कम कराते हैं ना, जो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ्रैक्चर होते हैं उसको ये कम कराते हैं, तो इसीलिए ये एस्ट्रोजन की बात चल रही है देखो यहाँ पे। तो ये पोस्ट मेनोपॉजल यानी फीमेल के अंदर जो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होती है, तो ये उसे रिकमेंड किया जाता है उसके लिए रेलॉक्सिफिन। इसमें दूसरे भी ड्रग आते हैं, टैमोक्सिफिन, क्लोमिफिन करके ड्रग्स आते हैं, तो आपने उनके बारे में भी थोड़ा देख लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, ये मीनोपॉज की बात चल रही है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है फीमेल के अंदर, ठीक है, तो उसके बाद में जो ऑस्टियोपोरोसिस का जो कंडीशन देखा जाता है उसके लिए रेलॉक्सिफिन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगर पूछता है माइफेप्रिस्टोन इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ, है ना, किसकी मैनेजमेंट के लिए माइफेप्रिस्टोन ड्रग यूज किया जाता है, ऑप्शन दिया है ब्रेस्ट कार्सिनोमा, प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो ये माइफेप्रिस्टोन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखो, ये MTP किट करके मार्केट में आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, तो ये दिए जाएगी 63 days आफ्टर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 36 days में ये देते हैं, जिससे सर्जिकल प्रोसीजर को रोक करके हम प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये MTP किट में क्या आता है, तो देखो इसमें 5 गोली आती है, एक माइफेप्रिस्टोन की गोली होती है और मिसोप्रिस्टोल की 4 गोली होती है, इस तरह का ये कॉम्बी पैक आता है, तो ये यूज किए जाते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। तो ये मिफेप्रिस्टोन के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो ये किसका मैनेजमेंट है, तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए यूज किया जाएगा, है ना, 9 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, 9 weeks के प्रेगनेंसी में ये दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चंस की, थोड़ा लेंदी है। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एंटागोनिस्ट ऑफ NK1 रिसेप्टर, है ना, न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट बताना है, एंड इज यूज्ड टू प्रिवेंट और रिड्यूस द कीमोथेरापी इंड्यूस्ड नॉसिया एंड ओमिटिंग, जिसके लिए कैंसर थेरापी, देखो ये कीमोथेरापी में जो भी केमिकल ले जाते हैं तो उसकी वजह से जो नॉजिया ओमिटिंग होता है ना, तो उसकी ये जो नॉजिया ओमिटिंग जो साइड इफेक्ट्स है उसको रोकने के लिए ऐसा ड्रग बताइए जो न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता हो। तो यहाँ ऑप्शन दिया है ऑन्डनसेट्रॉन, एप्रिपिटेंट, बोसेंटान और ये मेटोक्लोप्रामाइड। तो ये सारे ड्रग्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर आंसर भी कर देंगे इस क्वेश्चन का। अंडेंसिट्रॉन जो है ये भी ओमिटिंग को रोकता है, एमिसिस को रोकता है, एंटीमिटिक ड्रग है, ये सीरोटोनिन पर एक्ट करता है, ये 5-HT3 सीरोटोनिन रिसेप्टर के ब्लॉकर्स होते हैं ये सारे, सेट्रॉन को याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट ये भी CTZ सेंटर जो होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जहाँ से एमिसिक की एमिटिक की जो मतलब वेव आती है न्यूरोट्रांसमीटर से, तो वहीं से ये वहाँ पे ब्लॉक करा करके हमें एंटी एमिटिक एक्शन देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एप्रिपिटेंट की, तो हाँ ये जो है ये सब्सटेंस पी को न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर से ज्वाइन होने से रोकता है, तो ये न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर 1 का ये एंटागोनिस्ट होता है रिसेप्टर का, ठीक है, तो इस सवाल का जवाब तो यही होगा ऑप्शन बी एप्रिपिटेंट, तो यही है न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट जो सब्सटेंस पी को अटैच होने से रोक रहा है और
ये हमें एंटीएमेटिक एक्शन भी देगा नॉजिया एंड ओमिटिंग के लिए। नेक्स्ट बात करें बोसांटन, तो ये बोसांटन क्या होता है, तो ये एंडोथेलियल रिसेप्टर का एंटोगेनिस्ट होता है और ये हमें पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी मतलब क्या, लंग को जाने वाली जो आर्टरी होती है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है लंग के पास जा लेके जाती है कि ताकि वो ब्लड को प्योर करा सके, तो ये आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी वाला जो हाइपरटेंशन होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए काम आता है ये बोसांटन करके ड्रग। नेक्स्ट बात करें ये मेटोक्लोप्रामाइड की, तो ये भी एंटीएमेटिक ड्रग है लेकिन ये इसके एक्शन देखो कहाँ, ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पर एक्टिविटी है, D2 रिसेप्टर पर, तो ये भी हमें एंटीएमेटिक इफेक्ट देता है, ठीक है, नॉजिया वोमिटिंग के, लेकिन इसकी एक्टिविटी डोपामिनर्जिक पर है, ऑन्डेंसेट्रॉन की सीरोटोनिन पर है और ये एप्रेपिटन की जो एक्टिविटी है वो न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर पर है, ठीक है, इन बातों पर गौर करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, देखो पूछता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इज, लंबा एक्शन देने वाला लेकिन लॉन्ग एक्टिंग मतलब कितना, 24 आवर्स तक कौन सा इंसुलिन एक्शन देगा, तो इंसुलिन के अलग अलग प्रिपरेशंस है, तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस में नाम दिए, ग्लार्जिन, लिस्प्रो, एस्पार्ट या ग्लूलीसाइन, तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो ग्लार्जिन, यही है जो लॉन्ग एक्टिंग एक्शन रखता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, और बाकी जो बचे 3 ऑप्शन है यहाँ पे, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलीसाइन, तो ये रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, ठीक है, थोड़ा क्लासिफिकेशन के द्वारे हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि ये सारे प्रिपरेशन हमारे याद रहे और एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन बने हमारा सही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो इंसुलिन का थोड़ा क्लासिफिकेशन दिया है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे देखो इंसुलिन के अंदर रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में कौन से इंसुलिन आते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन सा आएगा और लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा आएगा, ठीक है, रैपिड शॉर्ट एक्टिंग में देख लो रेगुलर इंसुलिन आएगा, लिस्प्रो आएगा, एस्पार्ट और ग्लूलीसाइन आएगा, तो इसमें ये रेगुलर इंसुलिन पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सा मेटल यूज़ करता है, तो जिंक रहता है इसमें, क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन प्रिपरेशन होता है ये रेगुलर इंसुलिन, और ये सोल्यूबल टाइप का होता है, और बाकी को भी याद रखना, देखो एस्पार्ट है ना तो ये पार्ट पार्ट में है तो थोड़ा सा शॉर्ट ही होगा, ये ग्लूलीसाइन है गली में चलता है तो ये थोड़ा सा शॉर्ट ही होगा, और लिस्प्रो है तो लिस्ट एक्टिंग मतलब कम एक्टिंग है, तो ऐसे करके कुछ करके याद रख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरमीडिएट एक्टिंग की, तो इसमें आता है न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजडॉन करके, NPH वाला जो है वो इंटरमीडिएट है, इसमें एक ही आएगा, हेजडॉन को याद रखना, प्रोटामाइन हेजडॉन प्रिपरेशन है ये, इंटरमीडिएट एक्शन रखता है, और लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो इसमें ग्लार्जिन आएगा और डेटिमेर आएगा, जो अभी हमारे क्वेश्चन में था ग्लार्जिन, तो ये लॉन्ग एक्टिंग था, इसके साथ में एक डेटिमेर इंसुलिन भी होता है, तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो डिटरमाइंड वर्जिन है ना, कोई वर्जिन है जो डिटरमाइन है अपने लाइफ के साथ में, तो वो अपनी लॉन्ग एक्शन रखता है ना, डिटरमाइंड वर्जिन क्या है, लॉन्ग एक्टिंग एक्शन रखता है, ऐसे करके याद रखने ना, जो भी कोई वर्जिन है उसने डिटरमाइन है एकदम अपने प्रिंसिपल के साथ में, तो वो बड़ा लंबा तक चलेगा, तो वो ये लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा, ठीक है, इसको इन दोनों को याद रख लेना, बाकी ये NPH तो ऐसे ही याद रह जाएगा, और बाकी जो भी इंसुलिन का बचा हुआ प्रिपरेशन है उसको रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग में डाल देना, इन दोनों को लेकिन यहाँ लॉन्ग एक्टिंग में रखो, तो ये सब चीज़ें याद होगा और क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।